हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट यानी कि काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। आपके एडमिट कार्ड पर भी मेंशन है। इसके बावजूद जो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फर्स्ट पेज पर मान लीजिए अपना रोल नंबर लिख दिए, जैसा कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी आपको मिलती है भरने के लिए, और वो लास्ट में रोल नंबर नहीं लिखते हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि लास्ट में लिखने से क्या फ़ायदा। देखिए क्या होता है, कभी कभी आपके मान लीजिए कि आपका एग्जाम हो गया, आपकी कॉपी बोरी में लद के जाती है, किसी भी तरीके से जाती है, काफ़ी उसमें दिक्कत होती है। कभी कभी कवर पेज जो होते हैं वो फट जाते हैं या फिर निकल जाते हैं। तो इस केस में अगर आप बीच में अपना रोल नंबर लिखे रहेंगे या फिर लास्ट में अपना रोल नंबर लिखे रहेंगे तो उसको देख करके आपका मिलान कर लिया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने कॉपी के लास्ट पेज पर जब आपका पेपर खत्म होता है, जहाँ तक आपने लिखा वहाँ पर लास्ट में आप अपना रोल नंबर लिख सकते हैं, रोल नंबर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं करते, कभी कभी ये भी होता है कि आप फर्स्ट पेज पर जो रोल नंबर लिखे रहते हैं कभी कभी बाई मिस्टेक गलत हो जाता है, एक मतलब किसी कारणवश आप गलत भर देते हैं, कोई ध्यान नहीं देता है, ना ही आप भी ध्यान देते हैं, और बाद में अगर आपने बीच में लिखा है तो उस हिसाब से आपका मिलान कर लिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि आप बीच में भी एक दो जगह तीन जगह लिख सकते हैं या फिर लास्ट में कम से कम आप अपना रोल नंबर मेंशन जरूर कर देंगे कॉपी में। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो इंपॉर्टेंट थी। और उसके बाद देखिए जो एडमिट कार्ड पे आपकी जानकारी निकल के आई है इंस्ट्रक्शन में कि एडमिशन विल नॉट बी गिवन 20 मिनट्स बिफोर एंड 20 मिनट्स आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी कि आपके एग्जाम के 20 मिनट पहले, मान लीजिए कि आपका एग्जाम 9 बजे से है तो 20 मिनट पहले ही आप 20 मिनट पहले से आपका एंट्री कराया जाएगा। ये नहीं कि आपका आधे घंटे एक घंटे पहले ही आपकी एंट्री करा दिया जाए। और उसके बाद से अगर आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया है तो उसके 20 मिनट बाद से अगर आप लेट से आते हैं तो उसके बाद से आपकी एंट्री नहीं दी जाएगी। बहरहाल वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आपके साथ क्या घटना घटी, आप किस तरीके से क्यों लेट आए, तो कई जगह वहाँ पर आपको मतलब कि एंट्री दे दी जाएगी। लेकिन सीधे कहने का मतलब है कि आप कम से कम अगर आपका सेंटर जाता है या फिर जो भी आपका कॉलेज है कम से कम आधे घंटे पहले वहाँ पर पहुँचे और 20 मिनट पहले आपकी एंट्री की जाएगी। और अगर आप ज़्यादा लेट हो जाते हैं तो हो सकता है आपको अंदर जाने ना दिया जाए। बहरहाल वो आपके सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें मेंशन है, इफ़ एनी स्टूडेंट्स मेंशन मोबाइल नंबर और एनी अनडिजायर्ड रिमार्क्स टू इफेक्ट एवोल्यूशन देन द रिजल्ट ऑफ सच कैंडिडेट्स विल बी विथ हेल्ड। अब ये देखिए सीधे शब्दों में कहा क्या गया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका पेपर खराब जाता है या फिर अच्छा भी जाता है तो अपना मोबाइल नंबर मेंशन करके आते हैं या फिर अनडिजायर्ड रिमार्क्स कोई ऐसी चीज़ लिख देते हैं, जैसे इमोशनल चीज़ लिख देते हैं उनका पेपर खराब गया तो, या फिर कोई ऐसी चीज़ लिख देते हैं जो एक तरीके से कह लीजिए कि वो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपका थोड़ा सा पेपर खराब गया या फिर आपने लास्ट में लिख दिया कि हमारे घर ये प्रॉब्लम थी, ये इमोशनल चीज़ें, तो अनडिजायर्ड रिमार्क्स लिख देंगे आप या फिर मोबाइल नंबर लिखेंगे तो इस केस में आपका जो रिजल्ट है रोक दिया जाएगा, आपके ऊपर UFM लगा दिया जाएगा, आपके ऊपर हो सकता है उस सब्जेक्ट में डायरेक्टली बैक भी लगा दिया जाए। पहले तो आपका रिजल्ट रोका जाएगा, आपको बोर्ड में बुलाया जाएगा, उसके बाद से उस हिसाब से फिर से उस सब्जेक्ट में आपकी बैक भी लगा दी जाएगी। तो काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो इसलिए आप अपना मोबाइल नंबर बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे आप अपने कॉपी में। अगर मोबाइल नंबर लिख देते हैं या फिर ये भी होता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स नोट वगैरह यानी कि पैसा वगैरह रख देते हैं, तो अगर पैसा वगैरह भी रखते हैं अगर आप पकड़े जाते हैं, भले कॉलेज में पकड़े जाए, कॉलेज में पकड़े जाए मान लीजिए कि आपकी कॉपी जब कॉलेज में जमा होती है उसके बावजूद देखा जाता है तो अगर उसमें पकड़ दिया गया तो उस वक्त भी आपके कॉपी पे लाल पेन चल सकता है, UFM लगा दिया जा सकता है, या फिर अगर बोर्ड में गया कैमरे की निगरान में आपकी कॉपी चेक हो रही है उस केस में पकड़े गए तो आपके ऊपर UFM लगा दिया जा सकता है। इसलिए बोर्ड इस बार सख्त हो गया है। और देखिए आपके एडमिट कार्ड पर भी ये पहली बार सारी चीज़ें मेंशन होकर आ रही है कि अगर आप इस तरीके की गतिविधि करते, इसलिए कि पिछली बार बहुत सारे बच्चों ने लिख दिया था इस तरीके की समस्याएं आई थी, इसलिए बोर्ड ने डायरेक्ट निर्देश दे दिया है कि मोबाइल नंबर और अनडिजायर्ड रिमार्क्स आपको कुछ इधर उधर की चीज़ें नहीं लिखनी है कि मैं गरीब हूँ, मैं ये हूँ। इसके चलते मतलब बहुत सारे बच्चे इमोशनल चीज़ें लिखने लगते हैं या फिर मोबाइल नंबर लिखने लगते हैं। तो सीधे शब्दों में जानकारी मेंशन है, आप अपने दोस्तों को भी इसके बारे में सूचित जरूर कर देंगे। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। B2P से रिलेटेड हर एक प्रकार के ऑफिशियल और ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए आप सभी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।